भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश वालिया ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम आदित्य सिंह को चुनौती दी है कि वह अपने पिता के संरक्षण के बिना अपने साथ चार युवाओं को इकट्ठा करके बताएं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राकेश वालिया ने कहा कि विक्रम आदित्य सिंह का अपना कोई जनाधार नहीं है और वह पिता के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का परिवार राजनीतिक पतन की ओर जा रहा है और इसी बौखलाहट में पिता और पुत्र आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि पिछले कल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम आदित्य सिंह सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौक में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने सराज विधायक जयराम ठाकुर पर तंज कसे। इसी का जवाब देने के लिए मैदान में आए राकेश वालिया ने कहा कि पिता और पुत्र के बीच कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पिता सराज के विधायक जयराम ठाकुर की तारीफ करके गए और अब पुत्र ने गलत आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए अनाप शनाप आरोप लगा रही है। आज विक्रमादित्य को मैं एक सलाह देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में बिना पिता के संरक्षण से हिमाचल प्रदेश में चार नौजवान इकट्ठा करके बताएं। अपना भाषा के ऊपर उनका भी संयम नहीं है। पिता और पुत्र पूरे हिमाचल प्रदेश में कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये उनकी उस मानसिकता को, घटिया मानसिकता को दर्शाता भी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब व्यक्ति का बुरा समय जब चलता है राजनीतिक तौर के ऊपर, जब इस परिवार का अंत होने के ऊपर है, ये परिवार ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। आज कांग्रेस सरकार के यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने हैं, वो अनाप शनाप बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में पिता की तरह करने लग गए हैं। पिता क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, पुत्र और पिता में उनके आपसी विचार किस तरह से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये भी एक प्रश्न है। पिता हिमाचल प्रदेश के सिराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक को ईमानदार बताते हैं, पुत्र हिमाचल प्रदेश के विधायक के बारे में जो चार बार विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी वो करते हैं। वो ऐसे शब्दों का, ऐसे शब्द उन विधायक के बारे में कहते हैं जो कि उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं।